आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोरोना महामारी से शांति के लिए हवन का आयोजन कर शागन स्थित मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हवन का आयोजन कर शाहगंज स्थित मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान एक पंक्ति व्यक्त कर वृक्ष धरा के भूषण है करते दूर प्रदूषण है का संदेश देकर विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर इसे मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जहाँ प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समुदाय हर एक व्यक्ति जहाँ इससे पीड़ित हुआ है ऐसे इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ के आयोजन के उपरांत हमने भगवान से परमपिता परमेश्वर से कामना की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे कि सभी वर्ग इस बीमारी से दूर रहें। भगवान इन सबको इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करें। हिंदुस्तान फिर से अपने प्रमुख धारा में दौड़े। हवन का कार्यक्रम भाजयुमो महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत के निवास पर हुआ। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजयुमो महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत ने कहा कि वृक्ष हमें निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन छाया ठंडी हवा प्रदान करते हैं, ऐसे वृक्षों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वृक्ष लगाने का संकल्प भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर ने लिया है। सारे ही लोग खुशहाल तरीके से आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने पौधारोपण किया है और यहाँ यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ से भगवान को भी शक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है। यही मकसद था आज यहाँ इस काम को करने का और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी को ये काम करना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ आगरावासी उत्तर प्रदेश और देशवासियों से कि आप सभी लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने अपने जगह पर जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पौधे लगाएं और हवन का आयोजन जरूर। भाजयुमो कार्यकर्ता ने कहा कि कोरोना महामारी को शांत करने के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया जिससे कि आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। हवन करने से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोगों ने मिलके एक तो पेड़ पौधों का हमने वो किया है कि उसमें और हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि एक स्वच्छ वातावरण में सब लोग अपने घरों में आसपास में पौधे अपना लगाएं और अच्छा एनवायरनमेंट रखें। इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष ने सभी जनपदवासियों से अपील की कि वो अधिक संख्या में पौधे लगाएं जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी का भी संकल्प लें। संदीप शर्मा, सी न्यूज आगरा।